Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, स्वागत है आपका आईएसएन 7 न्यूज में। आपको बताते चलें, कल जो आईएसएन 7 न्यूज ने खबर दिखाई थी, उस खबर का असर अधिकारियों पर हो चुका है। आपको बता दें, पेट्रोल पंप के कर्मचारी प्रकरण में चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर के बताया। आप यहाँ आए, आज क्या समस्या लेके आए? देखिए, कल बांटी गांव के एक युवक जो कि पेट्रोल पंप पे ड्यूटी करते थे अपनी, उनको जैंत पुलिस द्वारा, जैंत पुलिस के जो इंचार्ज हैं जैंत चौकी के, धीरज गौतम जी द्वारा किसी शक की बिना पर पूछताछ के लिए बुलाया गया। अब पूछताछ के लिए बुलाने के बाद उन्हें थर्ड डिग्री का टॉर्चर दिया गया है, उनके गुप्तांगों पर करंट लगाया गया है और जिससे उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। वो अभी भी जिला अस्पताल में भर्ती हैं, वो ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इसी चीज़ को लेकर हम लोग अभी कप्तान साहब के पास गए थे, तो कप्तान साहब वहाँ मौजूद नहीं थे, तो फिर हम SPCD साहब के पास आए हैं। हमारी केवल मांग ये है सारे ग्रामीणों की और पूरे क्षेत्रवासियों की कि जो जैत चौकी इंचार्ज साहब हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त जितनी भी संगीन धाराएं बनती हैं उन सारी धाराओं में कार्रवाई करी जाए। क्योंकि देखिए, पुलिस विभाग का एक कर्मचारी गलत होता है तो पूरे पुलिस विभाग पर उंगली उठती है, पूरा पुलिस प्रशासन बदनाम होता है। तो इस पूरी बदनामी से बचाने के लिए हम उनसे यही निवेदन करते हैं कि आप अपने विभाग को जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं इस टाइप के, उन पर आप कार्रवाई करवाएं उनके खिलाफ। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल हटा दिया गया। देखिए, ये कार्रवाई तो जो है एक फॉर्मेलिटी होती है, ये जनता को लॉलीपॉप देने वाली कार्रवाई है, ये कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं होती। आपराधिक मुकदमा बनता है उन पर। आप विवेचना के नाम पर, केवल पूछताछ के नाम पर आप किसी को थर्ड डिग्री, और इस हिसाब का थर्ड डिग्री कि वो बिल्कुल मृत्यु के कगार पर पहुंच गया है। तो संतुष्ट नहीं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं। क्या मांगे आपकी, क्या चाहते? देखिए, हम लोग, मैं करणी सेना का राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ, योगी ठाकुर मेरा नाम है। हम लोगों की पूरे क्षेत्रीय जनता के साथ ये मांग है कि संबंधित जो दोषी अधिकारी हैं, चौकी इंचार्ज हैं, उनके खिलाफ जो संबंधित धाराएं बनती हैं उन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी भारद्वाज। और मीना, क्यों आई हैं आप, क्या समस्या? मैं इसलिए आई हूं कि मेरे मेहमान हैं, मेरी बेटी है, एक बेटी है और मेरी एक ही दामाद है। मेरे बड़ा बेटा हो या छोटा बेटा हो, जो भी है मेरे यही है, और मैं इनके ऊपर बच्चों को सौंप के रखती हूँ। मैं ड्यूटी करती हूँ, मैं प्राइवेट नौकरी करके बच्चों को पाल रहा हूँ। मेरे पति नहीं है, ये मेहमान के ऊपर भरोसा करके बच्चों को छोड़ के रखा है। मेरे मेहमान को बेरहमी से, ये जो घटना जो हुई है आपके दामाद के साथ हुई है, मेरे मेहमान को बेरहमी से जो सजा दिया है, जो पनिशमेंट इन्होंने दिया है, सरासर गलत है। और ये अगर वर्दी के लायक है तो ये सजा उन्हें कौन सी धारा पे लगाई है? अगर इसने ये धारा लगाई है, कोई मतलब इन्होंने रेप केस किया है या कौन सा ऐसा काम किया है? जी, रेप केस में भी तो ऐसा नहीं होता। हाँ, कितने सारे रेप केस हो गए, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कौन सा केस है कि ऐसा अंजाम दिया गया? हम उसको जिंदा या मुर्दा हमें चाहिए, हम उसकी बॉडी चाहिए, या चाहे हम उसे मारें, चाहे हम कुछ भी करें। अगर प्रशासन कुछ करते हैं उनके, पहले हम उनके हाथ छोड़ रहे हैं। अगर उन्होंने सुनवाई नहीं की, अगला कदम हमारा, चाहे कुछ भी करें। बच्चे की गर्दन पर चाकू रख पति पत्नी से नकदी व जेवरात लूटे, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मथुरा से मुकेश कौशिक की रिपोर्ट। ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश जी, कहाँ के निवासी हो? गांव बारेरी के। बारेरी के, आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? लोही से हम बारेरी के लिए जा रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर दो मतलब लोही भालोई बाबा नहर पर दो अज्ञात दो मोटरसाइकिल वाले आए और उन्होंने एकदम चाकू से हम पर वार किया। ये कुछ जानकारी है उनकी पहचान? पहचान तो है पर ये नहीं मालूम है कहाँ की कहाँ की नहीं। वैसे हम पहचान लेंगे, सकल से पहचान लेंगे। पैशन प्रो मोटरसाइकिल ही काले कलर में लाल अक्षरों में लिखी है, प्लेट पर कोई नंबर नहीं है। काम नाम सब बताओ, पता बता दी। कहाँ से कहाँ जा रही थी? दवोई से माँ जा रही। कहाँ? बारी। दवोई से बारी जा रहे। क्या हुआ था? अचानक ही आ गए।
तो हम तीन है। और वो कितने लोग थे? दो।